हेलो गाइस कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे तो ये वीडियो काफ़ी लेट से पहुँच रहा है आप लोग के पास तब तक दशहरा ख़त्म भी हो चुका है तो <coughs> सोचे मैं मतलब वीडियो पड़ा हुआ था तो सोची मैं एडिट करके डाल दूँ तो आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा कितने अच्छे से इन्जॉय किए हम लोग और ये राम मंदिर यहाँ पे रांची में बना हुआ था राम मंदिर बहुत सुंदर पंडाल तो इसका भी हम लोग दर्शन किए और विजय दशमी के दिन गए थे शायद या नौमी दशमी ऐसे ही गए थे क्योंकि अष्टमी को तो इनके पापा का और उसके बाद घर आए तो खाना बनाए खाना में अंडा कड़ी चावल शॉर्टकट में बना दिए <coughs> क्योंकि ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था और खाना बना के खा के हम लोग तुरंत सो गए थे क्योंकि बहुत थक गए थे मंदिर में इतना भीड़ था पंडाल में कि पूछिए मत तो यहाँ पे सब बॉयल वॉयल करके रेडी है और फटाफट से बनाए खाएं बच्चों को खिलाएं सो गए और मॉर्निंग में उसके बाद उठे तो मेरा पसंदीदा गोभी था तो गोभी आलू की सब्जी बनाए सुबह में तो अब इस वीडियो में मेला घूमने के बाद सिर्फ खाने का ही वीडियो होगा दोनों टाइम का तो रात में अंडा कड़ी बनाए थे और दिन में गोभी आलू का स आलू दम चावल और बस ऐसे ही घर में रहना था तो सिंपल एक ही बार दाल चाव सब्ज़ी चावल बना दिए और यहाँ पे देखिए मायरू कैसे कर रही है <laughs> बदमाशी करके जा रही है तो बस फ्रेंड यही छोटा सा वीडियो था तो पड़ा हुआ था तो मैं सोची डाल दूँ और आप लोग कैसे बनाते हैं गोभी का सब्ज़ी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे तो बहुत पसंद है गोभी का सब्ज़ी तो अभी तो खैर काफ़ी महंगा भी मिल रहा है और ये सारे मसाले हैं जो मैं इसमें डाल लूँगी अभी और ये शॉर्ट वीडियो के लिए वीडियो बना था तो सोची चलो लॉन्ग में भी डाल दूँ है कि नहीं तो फ्रेंड अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग खूब सारा प्यार दीजिएगा और एक मेरा रेसिपी भी हो गया और वीडियो भी सूट हो गया और मेला तो लास्ट में एक दिन घूमे पहला दिन तो इनके तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया था पतिदेव का तो उतना मज़ा नहीं आ रहा था तो बस एक राम मंदिर घूमे और एक उसके बाद बस रावण देखे रावण दहन देखे तो चलिए आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय और प्लीज़ फ्रेंड आप लोग वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिएगा हम्बल रिक्वेस्ट है और आपसे बातें करते करते मेरी सब्जी भी बनी गई और यहाँ पे सब्जी मेरा रेडी हो गया था तो हम अपने लिए धनिया पत्ता का चटनी बना रहे थे